आप देखिए कैबिनेट में आप टेबल पीट के बाहर आ जाते, और इमरजेंसी फंड जारी कर दिया जाता है। अरे साहब, इमरजेंसी फंड किस लिए जारी होता है मुझे आप बताइए? अगर कहीं दैवी आपदा आ गई है, कहीं मुश्किलात आ गई है, उसके लिए आपका कंटिंजेंसी फंड होता है। रमेश भाई, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आपदा तो थी ना चुनाव के समय, अच्छा चुनावी दोनों आपदा दलों के थी। लिए हाँ, बहुत बढ़िया आपने अच्छा वर्ड आपदा। पकड़ा, चुनावी आपदा थी। ये चुनाव के लिए ऐसी आपदा थी कि विपदा बन जाती, और सत्ता हाथ से निकलने का डर डर था, भयभीत लोग हैं ये। और आप जिसकी ओर बात कर, जिस ओर आप इशारा कर रहे हो, सीधे सीधे आप नाम कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने ऐसा क्यों किया। तो हरक सिंह रावत को चाहिए क्या? अभी हरक सिंह रावत की पीड़ा समझिए, उस आदमी ने सब कुछ पा लिया है, और किसी भी ऐसा राजनीतिक क्या चाहता है, उसकी एक ही मंशा होती है कि भाई जो सर्वोच्च कुर्सी है वो मुझे मिल जाए, मैं अपने विजन को कुछ लागू कर सकूं। हो सकता है मैं उत्तराखंड के लिए वो सब कर डालूं जो नहीं हो रहा है। उस आदमी की पीड़ा से मैं ना इत्तिफाकी नहीं करता, लेकिन जो समय है वो बहुत नाजुक है।